सो हे गाइस, दिस इज कपिल एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर डेंजर्स। और आज है संडे और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाहर जा करके घूमा जाए, मतलब कि सुखदेव टाइप, मतलब सोनीपत, मुरथल वगैरह तक थोड़ा जाते हैं। संडे ड्राइव करते थे हम पहले संडे को, अब गाड़ी में जा रहे हैं तो ड्राइव हो गया वो, तो संडे ड्राइव करते हैं और कुछ खा पी के वापसी लोड करके आते हैं। देन मतलब मैक्स प्रोबेबिलिटी तो ये है कि लंच करेंगे अब जा करके, क्योंकि सुबह निकलते तो परांठे खाते, लेकिन अब क्या था कि लेट हो गए हैं तो फिर लंच ही करते हैं भाई। बेटर ऑप्शन तो यही रहेगा कि लंच ही करें और देन वापस आएँ अपने घर पर। सो जो भी होगा, जैसे भी होगा, दिखाऊंगा मैं आपको। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में ऐसी बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे ही बने रहो, मैं आपको अभी पूरा जर्नी दिखाता हूँ और हम क्या खाते क्या नहीं खाते वो भी दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से। अभी थोड़ा बहुत पसीना आना चालू हो गया है, गाड़ी आज साफ नहीं हुई होगी क्योंकि आज गाड़ी साफ करने वाले अंकल नहीं आए हैं। तो जैसा भी है, अब मैं गाड़ी के शीशे चढ़ाता हूँ। मैंने खोल दिए थे 2 मिनट के लिए कि गाड़ी ऑन कर दूँ और एसी चला दूँ तो सारी जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए, तो गाड़ी जो हीटर बनी हुई थी वो ठीक हो जाए। नॉर्मल एसी चला करके छोड़ दिया था मैंने 3 पे। अगर एसी की फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी है भाई। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, जा रहे हैं अपन चारों ही, मम्मी पापा जी, मैं और गम्मो, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो भाई, मैंने लिए मम्मी पापा और गरिमा को, ये आ गए हैं रेडी होकर के, और अब निकलते हैं यहाँ से। अब चलते सीधा सोनीपत मुरथल की ओर, करते आज का ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रंच वहीं पे ही। हम जा रहे हैं भाई, अभी जाते तो हम सुबह ठीक है, लेकिन अब जा रहे हैं दोपहर, करीबन बज गए 12:40, तो ये हमारा लंच ही हो जाएगा, लंच ड्राइव हो जाएगी एक तरीके से। और लंच ड्राइव हमारी 60 किलोमीटर ही हमारे घर से पड़ता है अमृत सुखदेव, मतलब अप डाउन पड़ेगा 120 किलोमीटर। और एज यूजल संडे को भी ट्रैफिक ही मिलता है दिल्ली में, तो भाई हमेशा ही, ये देखो सामने ट्रैफिक ही ट्रैफिक। दिल्ली वाले गाड़ी अगर लेके जा रहे हैं ना, तो सपो ये समझ लो जहाँ 1 घंटे का रास्ता आप मेट्रो से करोगे कवर, वहाँ आपको गाड़ी से या बाइक से लग जाएंगे आराम से। बाइक से लगेगा 1.5 घंटा और गाड़ी से लग जाएंगे 2 घंटे के आसपास। मेट्रो अपना सही है, मेट्रो क्या है कि अपना बढ़िया से जाओ, बढ़िया से आओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाड़ी में टेंशन ही रहता है दिल्ली में चलाने में, एक तो इतना जाम इतना रहता है, ऊपर से हर किसी के पास आजकल गाड़ी बाइक है, एक हर किसी के पास एक बंदे के पास दो गाड़ी दो बाइक्स हैं, तो समझ सकते हो कि कितनी भीड़ होगी फिर रोडों पे। हाँ वो बात अलग है कि लेके चलने वाला तो बंदे एक ही चलेगा एक टाइम पे, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि अपनी कन्वेंस यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करके। हाँ जैसे ऑफिस जा रहे हो आप लोग, दिल्ली में रहते हैं तो पूल ड्राइव करना सही रहता है, जैसे चार दोस्त हैं और कहीं आसपास से जा रहे हो, चारों ने शेयर कर लिया, कल आप मैं ले आऊँ गाड़ी, कल तू ले आना, परसों तू ले आना, मतलब ऐसे करके चेंज करके ले आ सकते हैं। अभी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर तो 60 की स्पीड है दिल्ली में, तो दिल्ली में गए आप जो ये NH हरियाणा वाला हाईवे, इस पर भी ऐसी है स्पीड लिमिट है, उस पर भी NH8 है, वो देख लो गाइस हमारी दिल्ली वालों की कितनी हेडेक है गाड़ी चलाने में, मतलब खुल करके हम स्पीड में गाड़ी चला भी नहीं सकते हैं। खैर एक इनिशिएट जो ये जो गवर्नमेंट का है अच्छा भी है, क्योंकि इससे क्या है कि लोगों के चलान भी कम कटेंगे और एक्सीडेंट भी कम होगा, लेकिन जो भगाने वाले हो तो फिर ये भगाते ही हैं, लेकिन इनिशिएट ये अच्छा है कि भाई एक्सीडेंटल केस कम हो गए और लोगों के जेब से पैसे निकलना बंद हो गए चलान के, वरना इंटरसेप्टर वाले हर जगह खड़े रहते थे भाई साहब। अब तो इंटरसेप्टर वालों ने खड़ा होना बंद कर दिया, बस कैमरे से फोटो खींची और आपके घर पे आ गया प्रेम पत्र, जी भर दो पैसे। एक प्रेम पत्र हमारा भी आ रहा है।
और एक प्रेम पत्र 5 तारीख का हमारा भी आ रखा, पता नहीं किस चीज का हुआ, 1000 रुपए। वो ओवर स्पीडिंग का भी नहीं है और रेड लाइट जंपिंग का भी नहीं है, वो सीट बेल्ट का हो सकता है कहीं पर सीट बेल्ट किसी ने निकाली हो, क्योंकि 5 तारीख को पापा जी लेके गए थे गाड़ी भैया। मेरा तो हेड है उसमें, मेरा कोई क्लेम नहीं कर सकते पापा आप। उस साइड है वो बुराडी का नाला, ये सीधा जाओगे तो आप कश्मीर गेट पहुंच जाओगे, और यहाँ से लेफ्ट लोगे, यहाँ से लेफ्ट लेकर के हम उतर जाएंगे अपना करनाल वाले हाईवे पे, यही रास्ता लेकर के जाएगा हमारे को सोनीपत, जो कि हमें आज खाने के लिए लेके जाएगा अमृतसर देख तक। वहां जाकर के हम थोड़ा लंच करेंगे और फिर वापसी घर की तरफ हो लेंगे। सो गाइस, पता नहीं इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन कब जाकर के पूरी होगी, और जब किसान बैठे हुए थे तो हम इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले एक कट जाता है वो नरेला की तरफ निकलता है, तो उसकी तरफ से निकलना पड़ता था हमारे को वहाँ। आप अगर आपको वाली वीडियो देखने से निकलना है तो नरेला की तरफ जब निकले थे तो आप लद्दाख वाली सीरीज देख सकते हैं, सचपास वाली देख सकते हैं। भाई साहब इतने गहरे गहरे गड्ढे थे ना वहाँ पे, और पानी भरा ऊपर से, हाँ दिखाया नहीं था पहले, पर जब वीडियो बनाते थे मतलब ऐसे काम होते थे तो पैनिक सिचुएशन में कभी कैमरा उठाता ही नहीं था और याद भी नहीं रहता था सच बताऊं तो, क्योंकि गाड़ी निकलवाने के चक्कर में, क्योंकि मैं उस टाइम इतना मगन नहीं रहता था कैमरा उठाने में। सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं हरियाणा में, यहाँ से सीधा हरियाणा लग जाता है, ये पीछे गया बॉर्डर, और यहाँ से मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे की ड्राइव और बची है अमरीश सुखदेव की और गरम धर्म की, मतलब जितने भी ढाबे हैं फेमस सारे वहीं पे पड़ते हैं ना, तो आधे पौने घंटे की ड्राइव और बची ऑर्डर। गमछा गीला करके ओढ़ रखा है। सामने देखो, हमारे सामने क्या आया, हम पहुंच गए हैं मतलब कुंडली में चल रहे हैं अभी इस टाइम, और सामने सीधा देख रहे हो आप केएमपी चढ़ रहा है ऊपर सीधा, ये कुंडली मानेसर पलवल हाईवे जाता है, ये चढ़ रहा है यहाँ से रास्ता जा रहा है सीधा केएमपी का, दिखा रहा है ये तो अड़ रहा था दिखा गया ये कुंडली मानेसर पलवल। मतलब इस हाईवे पे हम कभी आज से पहले गए नहीं है, जा करके देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो, छोड़ेंगे नहीं मौका। सामने देख सकते हैं और साथ में आपके साथ हम अपने साथ हम आपको भी लेके चलेंगे, इधर हम वाला चलेंगे कच्ची कच्ची क्या नाम है मटन खाने किसका। फाइनली गाइस इतनी मशक्कत के बाद यहाँ पर थोड़ा हाईवे ठीक हुआ है जा करके, वरना तो ऐसे ही टूटा फूटा चल रहा था अभी तक तो। अब यहाँ से सीधा सीधा सारे पुल चढ़ रहे हैं बस, यहाँ से ठीक है मतलब रास्ता कुल मिला के देखिए, कुल मिला करके यहाँ से सारे ठीक है रास्ता, बस वो वहीं तक है हरियाणा की थोड़ी आगे तक आकर, हरियाणा की स्टार्टिंग यहाँ से होती है वहाँ से आकर के। हम पहुंच चुके हैं जुरासिक पार्क के पास, किस दिन हम यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ की भी आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे पूरा व्लॉग जुरासिक पार्क का। आज से पहले मैं तो आया नहीं, लेकिन गरिमा कोहली की तरफ से 2 बार आ चुकी है, 3 बार एक बार और एड ऑन कर लो, 3 बार हो गया इलेक्शन टाइम में, लेकिन हम
नहीं आए लेकिन हम आएंगे। सो गाइज हम पहुंचने वाले हैं ढाबों की सिटी में। यहाँ से स्टार्ट हुआ था पहलवान से, वो आ गया गुलशन ढाबा, फिर मन्नत, उनसे पहले हनुमान जी और शिव जी जी का मंदिर, बाहर प्रवेश द्वार इतना बड़ा बनाया हुआ है, दोनों गुलशन ढाबा, ये मन्नत ढाबा, ये गुलशन के साथ में गुलशन ढाबा, ये आ गया मन्नत, और यहाँ पर भी अभी गरम धर्म भी आएगा। कहाँ गया, वेयर इज गरम धर्म? 70 miles गया पीछे। दो एरोप्लेन खड़े कर रखे हैं यहाँ पे, मतलब है ओरिजिनली एक जहाज खड़े हुए, ये रेस्टोरेंट, हाँ, इसके अंदर जैसे हमारे क्या नाम है वो एडवेंचर आइलैंड के अंदर रनवे रेस्टोरेंट बनाया हुआ है ना, जस्ट वैसे ही है। गए हम वहाँ पर भी नहीं, रनवे में भी जितना ऊंचे होते हैं उतना बेकार होता है खाना। हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि ऊंचे दुकान के नीचे पकवान, नीचे पकवान मिसाल करो। अरे फीके लगा लो रे, देखो सामने कपिल गरिमा लड़ रहे हैं सामने दो बैल, दो बिजार लड़ रहे हैं भाई साहब, बहुत गंदी गंदी तरीके से। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अमृत सुखदेव पर, ये रहा हमारे सामने, आप जरा वाइफ चेक करिए, बहुत दिनों बाद खाने को मिल रहा है सुखदेव के पे रेस्टोरेंट पे। सर मेरे को तो लगता नहीं यार टेबल भी खाली मिलेगी यहाँ पे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो भाई फाइनली हमारे को टेबल जो है मिल चुका है आफ्टर सो लॉन्ग। भाई साहब बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत रश है, कभी भी आ जाओ 24 hours रश रहता है, 24 के 24 hours इतना ही रश हमेशा। तो गाइस हमने ऑर्डर कर लिया है, गरिमा ने आज मंगाई है थाली और हम खा रहे हैं परांठे, आलू प्याज परांठे खा रहे हैं हम तीनों खा रहे हैं आलू परांठे। गरिमा अगर सुखदेव के खाना खाने आ रहे हैं हम तो यहाँ पर तपस्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1 महीने की तपस्या करनी पड़ेगी, फिर जाके टेबल मिलेगी, फिर जाके खाने को मौका मिलेगा। लोग देख सकते हो यहाँ पर वेटिंग करने के लिए खड़े हुए हैं, और हमने भी बहुत जगह खड़ी है जगह चेक करने के लिए, लोगों के सिर्फ टेबल के लिए वेटिंग कर रहे हैं लोग बाग, खड़े खड़े होकर के लोग बाग खड़े हुए हैं भाई, देखो खड़े होकर के वेट कर रहे हैं कि कब लोग खाली करें और हम आर को बैठने का मौका मिले, मगर इतनी जल्दी कोई खाली नहीं कर रहा भाई। लो भाई कड़ी तपस्या का फल मीठा होता है, हमारे परांठे आ गए और गरिमा के आ गया थाली, इसके नान बटर नान और ये क्या कहते हैं जो भी पापड़ और हम पापड़ मीरा आलू प्याज का परांठा, अब इनको खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं फटाक से। भाई हमारे और परांठे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ये तो खैर अलग थाली वाली है, इसको तो खैर डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है हमारे, ये मेरा ही है, मम्मी का हो गया रेडी, मेरा ये बचा हुआ बस, फिर इसके बाद ये भी खत्म होगा। कॉफी और एक पापा के पास है, बहन जी से खाई नहीं जा रही है थाली दूसरे का पकड़ा रही है भाई, मेरी थाली खा लो। तो भाई खाना वाना खा करके निकल आए हम बाहर, और वो खड़ी अपने सामने गाड़ी एकदम सामने, बहुत हैवी हो गया भाई खाना, दो परांठे बहुत हैवी हो गए, मैंने तो पैक भी करा लिया आधा। लास्ट वीडियो मैंने दिखाया ना गरिमा खाने को आई थी, थाली मंगा ली थी ना, खाई नहीं जा रही, अब चलते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत तगड़ी वाली गर्मी हो रही है, चलो भाई घर चलो। सो गाइस फाइनली हम खा पी करके निकल चुके हैं हाईवे वापसी, और अमृत सुखदेव आएगा अपने राइट पे बोरा,
हम यहाँ से यू टर्न लेकर के वापसी आ गए हैं। पहले जो इसे अमृतसर से खाकर निकलते हैं ना दिल्ली की तरफ वापसी जाएंगे, उससे पहले टोल टैक्स पड़ता है। टोल टैक्स से पहले हमने एग्जिट है एक एग्जिट लेकर के वापसी यू टर्न लेकर के हम आ गए। ये रहा देखो सुखदेव भाई साहब, भीड़ इतनी है कि जगह ढूंढने से भी नहीं मिल रही है लोगों को। गरम धर्म ये रहा साथ में गरम धर्म है। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ रहती है 24 घंटे, पूरे 24 घंटे इतनी भीड़ रहती है। खा नहीं पाते हैं लोग बग, उससे पहले ही साइड में आकर के लोग खड़े हो जाते हैं कि चलो हमारे को खाने का मौका मिल जाएगा, अब टेबल मिली जाएगी तो उसमें घेर लो, जैसा हमने भी किया था। अब बज रहे हैं भाई 2:45। वीडियो तो खाई होगी साथ में दिखाओ। हां अजीब लग रहा है वीडियो को साथ में कोई आके बैठ और मेरे साथ से निकला हरियाणा का जहाज। ये उठा क्यों ये बॉर्डर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, मतलब दिल्ली में एंट्री ले लिया यहां से हम। अब तो हम बहुत ही जल्दी आ गए क्योंकि उस साइड से रोड ठीक है ना, अब यहां से टाइम लगता है सारा का सारा टाइम यहां से लगेगा। अब देखो यहां से टूटा हुआ चालू हो गया रास्ता, यहां एवरेज भी नहीं आने की, एवरेज भी नहीं आने की और वो भी नहीं आने का, मतलब टाइम लगेगा। ओ हम वापस एंटर कर चुके हैं दिल्ली में और हम आ गए हैं बाईपास क्रॉस कर दिया है, वही दिल्ली वाली लाइफ। बाईपास क्रॉस करा तूने अभी बहुत देर उसको हमने बाईपास क्रॉस करा है, बाईपास क्रॉस करे बहुत टाइम हो गया। हाँ। अब हम जा पहुंचने वाले घर। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं वापसी अपनी लोकेशन पर यानी कि घर पे, और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है कि गाड़ी ने एवरेज कितनी दी है, तो भाई बोल लो अभी 7.1 था, अभी मैं खड़े खड़े वीडियो बना रहा हूँ इसमें 17.0 हो गया। कोई नहीं, खैर जो एवरेज है वो तो खैर अच्छी खासी दे दी गाड़ी ने। लेकिन एक चीज बताऊँ, गाड़ी की जब मैं आ रहा था तो करीबन ये 18 कुछ की एवरेज दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने रोहिणी में एंटर किया तो वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह मिला तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिला, मतलब ट्रैफिक तो पहले ही स्टार्ट हो गया दिखाते ऐसे आपको, लेकिन रोहिणी में और भी ज़्यादा ट्रैफिक था तो वहाँ पर गाड़ी चली नहीं थी ना के बराबर ही हो रहा था। तो ठीक है गाइज, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए आए हो तो, और आप अगर पहले सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल को शेयर कर देना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे एक्सप्लोर एंजॉय, बाय।